हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है, यानी कि छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो दोबारा से आने वाली है। आप लोगों ने सही सुना, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे किन छात्रों की स्कॉलरशिप दोबारा से आएगी और किन छात्रों की सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था और आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपका स्टेटस किस तरह का होना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूज़ क्या है और कितने छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो दोबारा से आएगी, यानी कि जिन छात्रों को लाभ नहीं मिला था। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही अब इस पेज पर पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको सिंपली नीचे आ जाना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप PFMS एंड आधार लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं, जहां पे आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकते हैं। आपको यहां पे सिंपली चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ का जो क्लिक हियर लिखा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और अपनी डिटेल्स देके आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब बताते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, यानी कि न्यूज में क्या दे रखा है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं जो अमर उजाला पेपर की न्यूज़ है आज की लखनऊ की। यहाँ पे आप लोग हेडिंग पढ़ सकते हैं, डेटा मिसमैच के चलते शुल्क भरपाई से वंचित 65,000 छात्रों को राहत जल्द। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था डेटा मिसमैच के कारण तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, जैसा कि इस न्यूज़ में दे रखा है। यहाँ पे हम आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाते हैं कि क्या न्यूज़ है। लखनऊ, उन छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है जिन्होंने डेटा मिसमैच के चलते पिछले वित्त वर्ष में शुल्क भरपाई नहीं हो सकी थी। इन्हें भुगतान के लिए समाज कल्याण निदेशालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इनकी संख्या करीब 65,000 है। ये छात्र अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के हैं। बताते हैं कि इन्होंने छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर पिछली कक्षा के अपने अंकों को अपलोड किया था, लेकिन शिक्षण संस्थानों ने अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट में इन अंकों को गलत ढंग से 00 अपलोड कर दिया था। नतीजतन डेटा का मिलन न होने के कारण सॉफ्टवेयर ने इन छात्रों को रिजेक्ट श्रेणी में डाल दिया था, इसलिए इन्हें भुगतान नहीं हो पाया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि इनके जो अपडेट किया गया था उसमें 00 फिल कर दिया था, जिसकी वजह से इनका डेटा जो था वो मैच नहीं हुआ था और इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप प्लस फीस का लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हैं, जो छात्र हैं वो अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के हैं। इन छात्रों ने अपनी शिकायत उच्च स्तर पर दर्ज कराई, कहा कि होने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं हुआ है। समाज कल्याण निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक इस तरह के छात्रों को भुगतान के लिए उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों के उन छात्रों के प्रतिवेदनों पर भी विचार किया जाएगा जो पिछले वित्त वर्ष में अपने पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के छात्र थे, लेकिन नई कैटेगरी में आवेदन करने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसकी वजह उनके संस्था को NBA या NAC की मान्यता का मना होना था, लेकिन ये नियम सिर्फ प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ही लागू किया गया था। पहले से योजना का लाभ ले रहे छात्रों पर इस पर पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि NBA वाला रूल फ्रेश कैटेगरी छात्रों के लिए लागू हुआ था। यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर है, जिनका फॉर्म डेटा मिसमैच के कारण रिजेक्ट हुआ था उन छात्रों को स्कॉलरशिप का बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा और बचे हुए छात्रों को यहां पे लाभ नहीं मिलने का। जो कैटेगरी है वो यहां पे दे रखी है सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति, और किसी भी तरह की अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और सेशन 2021-22 के जैसे ही फॉर्म आएंगे तो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।